लेकिन वहाँ बहुत सारी चीजें अरेंज कर दी थी। अब आज जो हमारे पास गैजेट है बहुत छोटा सा, हम उसके थ्रू फटाफट देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है। क्या ये कौन बताएगा? बैटरी। 9 वोल्ट की हमारी बैटरी। दूसरा हमारा कंडक्टर है। और ये बता रहा है कि हमारे कैसा कंडक्टर है। हमने इसको क्या क्या लगा दिया? क्या अभी लाइट ग्लो कर रही है? अब हम लगा के देखते हैं कि कैसा है ना? हमने क्या किया इसमें, इसको टच कर दिया कैसा है? ओके यस सर। तो अब आपको दे दूं? यस सर। आप खुद करोगे? यस सर। आज AIF ने हमें साइंस के लिए किट अवेलेबल कराया और आज मैं उसको बच्चों के साथ शेयर किया और उसके जो मुझे आउटकम हुआ मिला वो अनएक्सपेक्टेड था। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें। इससे पहले जब हम इस टॉपिक को जब हम करवा रहे थे इससे पहले गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती थी, बैटरी वाटर बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं बच्चों को, और वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता था तो हर बच्चों को हम नहीं करवा पा रहे थे। आज उन्होंने जो किट हमें अवेलेबल कराया वो बहुत ही पोर्टेबल था और जब हमने उसे किया तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ, और हर बच्चे को एक्सपीरियंस हो रहा था कि ये गुड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर। और उससे हमें ये फ़ायदा मिला कि बच्चों की लर्निंग बढ़ी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और ये जो नॉलेज है वो परमानेंट रहा। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, हमने पहली बार गिजमोस से ट्राई किया इन्हें, हमें बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लगा। हमने इन्हें टच किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमने कनेक्टिंग सीखा और कौन सी चीज़ मेटल और गुड्स ये बैड कंडक्टर थे, ये गुड कंडक्टर थे, हमने ये सब सीखा। तो हम प्रैक्टिकल करके पढ़ना चाहेंगे जिससे हमारे को समझ में आए। हमें अच्छा लगता है प्रैक्टिकल करना, बिकॉज साइंस को प्रैक्टिकल किए बिना हम कुछ नहीं समझ सकते।